हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हेरिक और आप देख रहे हो ए हेरिक प्रोडक्शन। सो गाइस, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरीके से आपने फ्यूजन के इंटरफेस में जाना था। हमने फ्यूजन के इंटरफेस के बारे में ये सारा इंटरफेस क्या है इसके बारे में जाना था। तो आज हमारी क्लास फर्स्ट है, तो आज हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके अंदर हम वीडियो को किस तरीके से लेके आए। तो वीडियो को आप दो तरीके से इसके अंदर लेके आ सकते हो, एक लोडर नोड के जरिए और एक डायरेक्ट आप वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो पहले मैं आपको बताता हूँ लोडर नोड। आप यहाँ से शिफ्ट और स्पेस बार दबा के एल ओ लोडर नोट सर्च करोगे तो ये आपका लोडर नोट आता है। ऐड करोगे तो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। और आप चाहो तो ये लोडर नोट का सिंबल है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो लाइक दिस। जैसे ही ओपन करोगे कुछ इस तरीके से आपकी जो सिस्टम है उसकी डिस्क ओपन हो जाएगी। इसके बाद मैं कोई भी एक फ़ोटो या वीडियो इसमें जो मैं एक वीडियो इम्पोर्ट कर लेता हूँ इसमें, ये फ़ोटो वाली। ओके, यहाँ से आपको करना है ओपन। जैसे ओपन करोगे आपको ये लोडर नोड के साथ एक वीडियो यहाँ पे शो हो जाएगी लाइक दिस। ओके, अब इस तरीके से इसके अंदर वीडियो ला सकते हो। और मैं इसको डिलीट करता हूँ और आप डायरेक्ट भी डेस्कटॉप मैंने ओपन करा लाइक दिस। ओके, यहाँ से मैंने डेस्कटॉप ओपन करा और मैं अगर इस पिक को लेके डायरेक्ट भी फ्यूजन में लेके जाऊँ लाइक दिस, इस तरीके से भी ला सकते हो। सो इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि लोडर नोड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में बाद में जानेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको जो ध्यान रखना है वो मेन चीज़ ये ध्यान रखना है कि अपनी वीडियो को आप यहाँ से कोई वीडियो डाल रहे हो तो आप यहाँ से आगे और पीछे से ट्रिम कर सकते हो, ट्रिम इन और ट्रिम आउट कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो नहीं है, फोटो है। ओके, तो यहाँ से आप वीडियो को ट्रिम कर सकते हो। ब्राउजर में जाकर अगर कोई दूसरी फाइल लेके आ रही है आप उस तरीके से लेके आ सकते हो, या आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी फाइल को जो है वो लेके इसके अंदर आ सकते हो। ओके, सो इतना ही है इसके अंदर वीडियो के लिए, सिर्फ बेसिक के लिए। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूँ, आपको यहाँ पर ये तीन डॉट दिख रही होंगी लाइक दिस। तो ये डॉट्स क्या हैं गाइज? ये डॉट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये विंडो और ये विंडो दो, सोर्स और आउटपुट जहाँ पर निकल रहा है, तो ये प्रीव्यू दिखाने के लिए है। आप इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड पर अगर वन प्रेस करो लाइक दिस वन, तो वन में प्रीव्यू दिखेगा लाइक दिस, और टू प्रेस करो तो टू में प्रीव्यू दिखेगा। अभी जो ये तीसरी है, तीसरी आप चाहो तो यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया था अगर दूसरी विंडो है आपके पास तो ये तीसरा उसका प्रीव्यू है, आप तीसरी पे शो कर सकते हो। और चौथी विंडो है, चौथे डेस्कटॉप है आपके पास, तो चौथे जो स्क्रीन है उस पर भी यहाँ पे और विंडो डॉट आएगी, वहाँ पर आप शो करा सकते हो। सो अगर मैं टू वन दोबारा प्रेस करूँगा तो ये डिजेबल हो जाएगा, और टू प्रेस करूँगा तो ये डिजेबल हो जाएगा। सो और आप डायरेक्ट माउस से भी इसको इस तरीके से वन और टू भी कर सकते हो, पर वन और टू इसका शॉर्टकट है। दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करके और ऑन व्यूअर पर जाके यहाँ पर लेफ्ट और राइट और मॉनिटर व्यूअर दोनों कर सकते हो। अगर मैं लेफ्ट में करूँगा तो लेफ्ट में शो होगा, और अगर मैं राइट में करूँगा और राइट में शो होगा। इसके टिक करोगे और अनटिक करोगे तो यहाँ से ये जो है वो अनटिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वन प्रेस करता हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। सेवन नोट के बारे में हम थोड़ा बाद में जानेंगे, जैसे जैसे हम कोई वीडियो सेव करेंगे आगे तो उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें जो है वो रहती थी उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ सेटिंग्स जो अभी ओपन हुई है यहाँ से मैंने बताया था आपको वन विंडो कर सकते हो स्प्लिट इस तरीके से। ओके, अभी आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर मैंने कुछ चैनल्स आपको बताए थे, ये कलर्स, तो ये है कलर जो ऑलरेडी है, ये इसके चैनल्स हैं। रेड चैनल करोगे तो कुछ रेड चैनल की तरह दिखेगा, और ब्लू चैनल, ग्रीन चैनल एंड अल्फ़ा लाइक दिस। अल्फ़ा नहीं है इसके अंदर इसलिए वाइट आ रहा है। ओके, सो अल्फ़ा होता तो ये अलग तरीके से आता, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी आप नॉर्मल कलर पे हम लोग चले जाते हैं। ओके, आप दूसरा ऑप्शन इसका ये है, आप अपने कीबोर्ड पर प्रेस करते हो सकते हो आर रेड चैनल, जी ग्रीन चैनल, ब्लू चैनल और ए अल्फा, और सीधा आर दबाओगे दोबारा वहीं पर आप चले जाओगे लाइक दिस। ओके, सो ये इसके शॉर्टकट कीज़ मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। अब बात करते हैं इसके बारे में, दूसरी चीज़ ये है, जैसे मानो मेरी पिक है, इसके हम बाद में जानेंगे। नेक्स्ट हम जानते हैं कि अब इसमें हम काम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो ये नोट मैंने डिलीट कर दिया लाइक दिस। ओके, सो ये है एक, मैं लूँगा बैकग्राउंड नोट, ये मेरा बैकग्राउंड नोट है। मैं शिफ्ट और स्पेस बार दबा के भी बैकग्राउंड नोट ले सकता हूँ। सो बैकग्राउंड नोट पे हम कोई भी चीज़ है, अब उसका दूसरा ऑप्शन ये भी है, जैसे अब मैं वन और टू दबाऊंगा तो इस तरीके शो होगा, अदरवाइज आप यहाँ से इसको माउस से अपना लेफ्ट क्लिक दबा के और इसको सीधा ऐसे ड्रैग और ड्रॉप कराओगे इस तरीके से भी शो हो जाता है लाइक दिस। ओके, ये भी इसका एक शॉर्टकट है। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें यहाँ पे ओपन करने के बाद ओपन होंगी, तो ये कुछ सेटिंग्स हैं, यहाँ से जो आएंगे आप स्केल को यहाँ से भी जूम इन आउट कर सकते हो, कस्टम स्केल करना है तो यहाँ से लिख सकते हो और आप यहाँ से भी कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें हम आगे आगे जाते रहेंगे, छोटी सी ट्रिक्स, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अभी क्या करना है, मानो ये बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड का मैं बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताता हूँ।
ये बैकग्राउंड है, यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर जो भी चूज़ करना चाहो आप चूज़ कर सकते हो। ओके, ये सिंपल बेसिक है। वी सपोज मैंने बैकग्राउंड का कलर ले लिया रेड। ओके, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ फिट और यहाँ से भी मैं इसको कर लेता हूँ फिट लाइक दिस। ओके, यहाँ से बैकग्राउंड का सॉलिड मोर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रेडियंट आप इस तरीके से ऑन कर सकते हो और आप यहाँ से इस तरीके से वो ग्रेडियंट जिस तरीके चाहिए आप उस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, ये लीनियर ग्रेडियंट है, यहाँ से आप स्क्वायर में या फिर आप रिफ्लेक्टर में या फिर आप रिफ्लेक्टेड या रेडियल या एंगल में भी आप इस तरीके से इसको जो है वो यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉलिड कलर ही रहने देता हूँ फिलहाल। ओके, नेक्स्ट आता है इसके चैनल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसके चैनल, आप इसको चैनल को अगर डाउन कर दोगे और अल्फा खत्म डाउन कर दूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा लाइक दिस। अल्फा मैंने इसके अंदर से ख़त्म कर दिया, तो ये आगे हम जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इसके बारे में हम जानते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है इसका हाइट विड्थ। आप इसकी हाइट विड्थ को इस तरीके से चेंज कर सकते हो यहाँ से। ओके, ये हम आगे जानेंगे जब हम इस पर कुछ बैकग्राउंड लेके कुछ काम करेंगे उसके बाद, फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ठीक है, ये फ्लोट है कि फ्लोट 18, 16, 32 चाहिए, ये इसके बारे में हम जानेंगे, ये अभी आपके लेसन में नहीं है, तो फिलहाल आप बैकग्राउंड नोट के बारे में ही जानो। ओके, सो यहाँ से मैंने कोई एक बैकग्राउंड लिया रेड। ओके, अब मैं छोटा सा आपको अभी इसके साथ एक डेमो करके दिखाऊंगा छोटा सा, ताकि आपको जो है वो क्लियरिफिकेशन हो। अभी क्या है, अब हम नेक्स्ट लेते हैं एक मर्ज नोट। ठीक है, ये मैंने लिया मर्ज नोट, आप शिफ्ट और स्पेस बार दबा के भी निकाल सकते हो। सो मर्ज नोट से पहले मैं एक बात और बताता हूँ आपको, ये बैकग्राउंड है तो ये होता है जो आपको ये डॉट दिख रही है, ये डॉट और ये डॉट, ये होता है इसका मेन आउटपुट। अगर मुझे कनेक्शन देना है, मैं यहाँ से लेके आउटपुट से कनेक्शन देता हूँ, आगे जो भी पाइपलाइन बनाऊंगा या यहाँ से मुझे कनेक्शन लेके बैकग्राउंड में देना है यहाँ पे। ओके, तो ये है इसका आउटपुट। ओके, और ये है बैकग्राउंड इफेक्ट। ओके, जैसे जैसे कनेक्ट करेंगे आगे जानेंगे। ये है मर्ज नोट। अब मैं मर्ज की बैकग्राउंड को साइड में करता हूँ, मर्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ है मैं बताता हूँ आपको। ये मर्ज नोट है, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ओपन हो जाएंगी। अब ये है जो हमारा येलो डॉट है, येलो डॉट को हम बोलते हैं बैकग्राउंड और ग्रीन डॉट को हम बोलते हैं फोरग्राउंड। ओके, मतलब पीछे का और आगे का। और ये जो आपको ब्लू डॉट दिख रही है ये है इफेक्ट मास्क और ये है हमारा इसका आउटपुट। जैसे जैसे हम नोट यूज़ करते रहेंगे आगे हमें ये काफ़ी सारे आउटपुट्स इसके अंदर आएंगे और भी आगे हम जानेंगे। सो ये मर्ज नोट का जो काम है वो है किसी भी चीज़ को मर्ज करने के लिए। जैसे आपको पता चला है मर्ज नोट का, ट्रांसफॉर्म नोट का, बैकग्राउंड नोट का और रेक्टेंगल नोट का, एलिप्स नोट का, इन ट्रांसफॉर्म और मर्ज जो नोट हैं इनका यूज़ बार बार हम करेंगे क्योंकि ये बार बार किसी भी चीज़ को जोड़ने के काम आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसके बारे में जानना पड़ेगा आपको और मर्ज उसके बारे में, ट्रांसफॉर्म के बारे में। सो मर्ज नोट, जैसे कि मर्ज नोट की प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसके स्केल को जूम इन कर सकते हो। जैसे मैं देख रहा हूँ अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, ये छोटा सा बस ये चीज़ दिख रहा होगा, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मर्ज को मैंने अभी शो नहीं कराया लाइक दिस। अगर मैं इसको शो कराऊंगा अभी ये शो नहीं करेगा क्योंकि अभी मैंने इसको इससे कनेक्ट नहीं किया है। सो जैसे कि मेरा ये जो रेड बैकग्राउंड है लाइक दिस, इसका जो आउटपुट है ये मैं बैकग्राउंड पे रखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं अपने इस बैकग्राउंड डॉट से इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा लाइक दिस। ठीक है, तो अभी ये शो होगा, अब दूसरी विंडो में मैं इसको शो करा दूंगा लाइक दिस। ओके, सो अभी मैं यहाँ से इसका स्केल जो है, इसके स्केल को छोटा बड़ा मैं कर सकता हूँ, यहाँ से इसका स्केल छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मुझे अभी इसके साथ एक कनेक्शन और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि इसका मैं यहाँ से स्केल को जूम इन कर सकता हूँ, यहाँ से इसको एंगल को मैं रोटेट कर सकता हूँ। आप देख पा रहे हो कि ये रोटेट भी हो रहा है, बट अभी यहाँ पर क्लिप मेरे को एक और जोड़नी पड़ेगी, दैट्स वाई ये होगा, तो मैं आपको समझाऊंगा अभी। ओके, तो अभी क्या है, अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, तो ये है मेरा मर्ज नोट। तो मर्ज का आपको समझ में आ गया होगा कि मर्ज छोड़ने के लिए काम आता है। अब मैं एक बैकग्राउंड और ले लेता हूँ लाइक दिस। ओके, इस बैकग्राउंड को मैं इसमें ड्रैग करा देता हूँ और इस बैकग्राउंड का मैं कलर रख लेता हूँ वाइट। ठीक है, सो अब आप सोचो कि ये है आपका बैकग्राउंड, मतलब ये सोच लो आप कि ये आपकी वीडियो है। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी वीडियो नहीं डालूंगा, फोटो को लेके आपको समझाऊंगा बैकग्राउंड को, ताकि आपको क्लियर हो। और ये है हमारा कोई ऑब्जेक्ट। ओके, मैं इसकी हाइट और ब्रेथ थोड़ी चेंज कर देता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रेथ और हाइट थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ लाइक दिस और दिस। ठीक है, अब मुझे अपना ये वाइट इस रेड के ऊपर लेके आना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये मेरा वीडियो है और ये मेरा बैकग्राउंड है वो मेरी वीडियो के ऊपर है, या कोई वीडियो है या ये ऑब्जेक्ट है मुझे इसके ऊपर डालना है, या टेक्स्ट है मुझे इसके ऊपर डालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने बैकग्राउंड के आउटपुट को, जैसे कि मैंने बताया ये मेरा बैकग्राउंड है रेड है, जो मैंने रेड करा है ये मेरा बैक पे रहेगा, तो मैं इसको अपने बैक से ब्लू डॉट से, मर्ज की ब्लू डॉट से कनेक्ट करूँगा लाइक दिस। ठीक है, कनेक्ट किया, उसके बाद
यहाँ पर एक रेड है, ये एरर दिख रहा है अभी। अभी मैं क्या करूँगा, अपने इसको वाइट को फोरग्राउंड, मतलब कि ये मेरे आगे रहने वाला है, तो इसके आउटपुट को मैं कनेक्ट करूँगा अपने ग्रीन से, लाइक दिस बूम। जैसे मैं कनेक्ट करूँगा, अभी क्या है, अभी ये इसमें शो नहीं होगा क्योंकि अभी मुझे मर्ज पे टू क्लिक करना पड़ेगा, लाइक दिस। जैसे मैंने मर्ज पे टू क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि मेरा जो रेड बैकग्राउंड है उसके पीछे मेरा वाइट आ गया है, ठीक है। अभी अगर आपको ये रेड के ऊपर वाइट करना है तो सेम ये आपका बैकग्राउंड अगर आपको ये रखना है तो आप इस डॉट को येलो से कनेक्ट करोगे और उस डॉट को आप ग्रीन से कनेक्ट करोगे, ठीक है। और ये मूव होता है, आप देख रहे हो ग्रीन को आप जिधर भी मूव करोगे ये उधर मूव हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। और यहाँ से आप येलो को मूव करोगे ये ऑटोमेटिक मूव होते हैं, ठीक है, तो कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, ओके। सो अभी क्या है, मेरे इस रेड के पीछे मैंने इस बैकग्राउंड को लगा दिया, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब इसको लाइक दिस, लाइक दिस, ये सिंपल है आपको बिल्कुल समझाने के लिए, ओके। सो अभी मैं अपने मर्ज पे गया, अगर मैं अपने मर्ज पे जाता हूँ, अब मैं इसके स्केल को जूम इन करूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से मैं मर्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ओके, स्केल एंगल घुमा सकते हो, ये ब्लेंड मोड है, नॉर्मल डिजॉल्व सॉफ्ट जैसे कि आप हर वीडियो में यूज़ करते हो, स्क्रीन, ठीक है, इनका भी रोल होता है, फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको स्क्रीन करूँगा, सॉफ्ट करूँगा तो कुछ इस तरीके से चला गया, चेंज करता रहूँगा तो ये चेंज उतरेंगे, ये वीडियो में आगे हम धीरे धीरे सीखेंगे और काम करेंगे, ओके। ब्लेंड मोड है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ये ओवर है, इन हेड अप्रोक्स, और ये है इसके सब्ट्रैक्टिव, और ये है गेन, ओके, ये है बर्न। अभी ये कुछ कुछ मोड अभी काम नहीं करेंगे, ये है ब्लेंड मोड, जैसे अभी ब्लेंड काम कर रहा है, ठीक है, ब्लेंड मोड, इसको ब्लेंड मतलब इसकी ब्लेंडिंग को कम करने के लिए, ठीक है, ये इसके मोड्स हैं, ओके। सो मर्ज किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए काम आता है, और उसकी ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मोड्स की, और यहाँ से आप इसको फ्लिप राइट लेफ्ट वीडियो है या उसको राइट लेफ्ट फ्लिप कर सकते हो हॉरिजॉन्टल, और इसको आप वर्टिकल में फ्लिप कर सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है, ओके। सो अभी ये नहीं है, क्योंकि जब हम इसका आगे काम करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, जब मैं एग्जैक्टली कुछ करूँगा। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो कि इसको किस तरीके से करना है, मैंने करके बताया हुआ है वहाँ पे। मर्ज का ये है, मैं इसको कंट्रोल ज्वाइंट कर दूंगा, जहाँ पे दें वहीं जाएंगे फिलहाल के लिए, ओके, लाइक दिस। सो अब दूसरा हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म नोड की, मर्ज नोड से हम अभी नहीं कुछ छेड़ेंगे, अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म नोड की। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे शिफ्ट स्पेस बार ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्म है, 3D ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है, तो हमको लेना है सिर्फ खाली ट्रांसफॉर्म, 2D ट्रांसफॉर्म, अभी हम 3D नहीं कर रहे हैं तो सीधा ट्रांसफॉर्म लेंगे। ये है ट्रांसफॉर्म नोड, ठीक है, ये है इसका ट्रांसफॉर्म इनपुट, और ये है इसका इफेक्ट इनपुट, और ये है इसका आउटपुट, ठीक है। ट्रांसफॉर्म नोड जो काम करता है वो है किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मतलब कि ट्रांसफॉर्म समझ में आ रहा है, मोशन जूम करना है, इसकी एस्पेक्ट रेशियो बढ़ानी है, स्केल करना है, या फिर फ्लिप करना है, आप देख सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज, राइट लेफ्ट करना है, स्केल बंद करना है, एक्स जेड, ओके। सो ये बेसिकली किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने का काम आता है, कुछ चीज़ें इसमें मर्ज वाली भी हैं, बट अगर हमको कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो हम लेंगे ट्रांसफॉर्म नोड। तो वी सपोज मुझे मानो कि मुझे अपने बैकग्राउंड को, मतलब ये जो मेरा फोरग्राउंड है इसको मुझे जो है वो चेंज करना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको लूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ले जाके शिफ्ट दबाना पड़ेगा आपको, शिफ्ट, इसके दो तीन तरीके हैं आपको बताता हूँ। शिफ्ट दबा के आप इसको लेके जाओगे यहाँ पर लाइक दिस, ओके, शिफ्ट दबा के आप इसको लेके जाओगे तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है, यहाँ पर क्लिक शिफ्ट, देखो शिफ्ट दबा के ये जो लाइन है वो कुछ ग्रीन और येलो हो गई है, आप देख सकते हो लाइक दिस। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक, इस तरीके से कनेक्ट होता है। दूसरा इसका तरीका ये है कि इसके आगे अगर आपको ट्रांसफॉर्म लगाना है तो आप इस बैकग्राउंड नोट पे क्लिक करोगे और यहाँ से ही मेरा ये ट्रांसफॉर्म नोट है, इस सिंबल है ट्रांसफॉर्म, मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म नोट कनेक्ट हो जाएगा, या आप सर्च करोगे इसके ऊपर करके तो ये ऑटोमेटिक तब भी कनेक्ट हो जाएगा। सो तीनों तरीके हैं इसके, आप किसी तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, या आप इसके कनेक्शन को जो है वो तोड़ सकते हो और उस तरीके से भी लाइक दिस, आप लाइक इसके ऊपर लगा ड्रैग एंड यहाँ पे मर्ज से ड्रैग, इस तरीके से भी कर सकते हो। सो दोनों ऑप्शंस हैं, 3-4 हैं दोनों ऑप्शंस। अब ट्रांसफॉर्म को, और यहाँ से ट्रांसफॉर्म को मैं अब जूम करूँगा, मैं मर्ज में मैंने शो करा रखा है, मेरा सारा आउटपुट मर्ज में, इस मर्ज में आ रहा है। सो यहाँ से अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा तो यहाँ से भी मैं सेम ही चीज़ वही कर सकता हूँ जो मर्ज में कर रहा हूँ, इसके भी, सॉरी ये मर्ज ही है, मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ लाइक दिस,
या ट्रांसफॉर्म में जाना है, ट्रांसफॉर्म पे काम करेंगे तो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ से इसका स्केल जूम इन आउट कर सकते हो, एस्पेक्ट रेशियोज की एंगल सेम वही चीज़ है, ओके। यहाँ पे डुप्लीकेट मिरर है, अगर इसको मिरर कर दोगे तो ये मिरर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी काम नहीं करेंगी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करेंगे, जहाँ वो आगे आगे काम करेंगे, ओके। सो ये है सेंटर, राइट लेफ्ट पॉइंट, इसको बंद करना है बंद कर सकते हो, इस तरीके से खोल सकते हो, इसके एस्पेक्ट रेशियो को समझ रहे हो। तो ये हम किस तरीके से आपको करना है एडजस्ट करने के लिए चीज के काम आता है। सो फिलहाल कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म नोड जो है वो काम करता है। अब वी सपोज मानो कि मुझे एक इसके ऊपर, अभी मैं फिलहाल इस बैकग्राउंड को डिलीट कर देता हूँ लाइक दिस। अब मैं चाहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म को भी डिलीट करता हूँ लाइक दिस। अब मैं चाहता हूँ इस बैकग्राउंड को मैं वाइट करता हूँ फिलहाल के लिए, सॉरी ब्लैक कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इसके ऊपर मेरा एक टेक्स्ट है। अब ये है हमारा 2D टेक्स्ट, आप शिफ्ट स्पेसर दबा के भी टेक्स्ट सर्च कर सकते हो, TEX सर्च कर सकते हो टेक्स्ट, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड टूल में जाके और यहाँ से भी आप अपने टेक्स्ट जो है वो निकाल सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ से भी आप अपना टेक्स्ट निकाल सकते हो, सेम वही टूल है, ओके। ट्रांसफॉर्म में जाके ये ट्रांसफॉर्म आ गया आपका, ट्रांसफॉर्म में जाके ये ट्रांसफॉर्म यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। और टेक्स्ट नोट भी आप यहीं से निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा तरीका है, यहाँ से भी मैंने बताया था, इफेक्ट में जाके और आप डायरेक्ट यहाँ पर जो टूल ज़्यादातर यूज़ होते हैं, मर्ज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये सब यहीं पर है। तो मैं यहीं से एक टेक्स्ट नोट ले लूँगा, ये टी है, ये टेक्स्ट नोट है। इस टेक्स्ट नोट को मैं शो कराऊंगा अपनी इस वाली विंडो, मतलब वन में आप क्लिक करोगे वन, मैं डायरेक्ट ड्रॉप करता हूँ वन। यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, मैं टाइप करता हूँ प्रोडक्शन, PRODUCTION, ओके। मैंने प्रोडक्शन टाइप करा, अब टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे शो टेक्स्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ से आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो फॉन्ट को टेक्स्ट के, यहाँ से रेगुलर बोल्ड जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हो, इसके अंदर है नहीं तो मैं यहाँ पे जाके करूँगा, लाइट इटैलिक जो भी करना है, ओके बोल्ड रख लेता हूँ। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो जो भी आपको करना है, येलो ग्रीन, मैं ब्लू रख देता हूँ आपके लिए लाइक दिस, ओके। यहाँ से आप इसका स्केल बड़ा कर सकते हो, यहाँ से आप ट्रैकिंग कर सकते हो लाइक दिस, ओके। यहाँ से आप इसकी लाइंस पैकिंग कर सकते हो, ओके। और भी इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ से लेफ्ट राइट, यहाँ से इन आउट कर सकते हो लाइक दिस इन, यहाँ से आउट इसको काट सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हैं, और भी नीचे हैं, एडवांस सेटिंग है, कंट्रोल है, जैसे जैसे आगे हम काम करेंगे इनके बारे में जानेंगे। सो यहाँ पर है इसके पॉइंट, क्या पॉइंट रखने हैं, फ्रेम रखने हैं, कलर किस तरीके से रखना है, ये सब आप भी कर सकते हो, ठीक है। सो टेक्स्ट नोट को जैसे हमने कोई भी चीज़ लिखना है तो आप टेक्स्ट को, अब मुझे ये टेक्स्ट अपने इस वाले बैकग्राउंड पे ब्लैक वाले पे लेके आना है, तो सेम प्रोसीजर है, मैं इसको फिलहाल वाइट कर देता हूँ, ठीक है। मैं अपने इस बैकग्राउंड को इस फोरग्राउंड से कनेक्ट कर दूँगा इस मर्ज से लाइक दिस, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया, और वी सपोज कभी कभार ये नहीं आता तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस मर्ज के अंदर हमारा आउटपुट आ रहा है तो फाइनल हम यहाँ पे जो है वो शो करा देंगे। अगर आपको अब मर्ज के अंदर कोई चीज़ चेंज करनी हो तो आप यहाँ टेक्स्ट टूल पे जाके, सॉरी टेक्स्ट के अंदर, तो यहाँ से आप इसका कलर जो भी है वो स्वाइप अप कर सकते हो, जो भी करना है, फॉन्ट जो भी करना है वो कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारी जो है ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हैं, कैसे तरीके डालना है। तो मैंने जो आपको इस वीडियो में समझाया वो समझाया कि किस तरीके से जो मर्ज नोट है, मतलब बैकग्राउंड को और फोरग्राउंड को आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो लाइक बैकग्राउंड, और अभी टेक्स्ट नहीं आएगा लाइक फोरग्राउंड। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड है वो मर्ज के साथ कैसे कनेक्ट होगा। अब छोटा सा एग्जांपल मैं और देता हूं कि अगर मेन कनेक्शन आपको ये याद रखना है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, ये बहुत यूज होने वाला है आगे, ये समझ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा स्टार्टिंग में, बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मेरा एक टेक्स्ट नोट और हो, टेक्स्ट नोट मैं एक और लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से एक और टेक्स्ट नोट लूंगा लाइक दिस। यहाँ पर मैं लिख दूंगा हैरिक लाइक दिस, ठीक है। हैरिक लिख दिया, मैं यहाँ पे इसको शो करा रहा हूँ इस फोटो में, मैंने हैरिक लिख दिया। यहाँ पे मैं इसको जो कलर है इसका ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है ग्रीन। अब मुझे ये इसके अंदर लेके आना है एक और टेक्स्ट, तो अभी ये कन्फ्यूजन होगा, अब लोग सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके से जो है वो इसमें आएगा। सिंपल है, इसका सबसे बढ़िया तरीका है, आप चाहो तो एक मर्ज नोट ले सकते हो, मर्ज को इसको यहाँ कनेक्ट कर सकते हो और इसको कनेक्ट कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पे शो करा सकते हो लाइक दिस। तो देखा आपका ये जो है हर एक यहाँ आ गया। और इसका दूसरा तरीका ये है कि कुछ नहीं करना, ये टेक्स्ट नोट है, इसके आउटपुट को पकड़ के अगर आप इससे कनेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक एक मर्ज क्रिएट करेगा लाइक दिस,
ठीक है। अब आप कहोगे कि ये तो है नहीं, शो नहीं किया। ये शो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने इसको शो नहीं कराया। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉट पे मैंने अभी जो है कंट्रोल दबा के आप जूम कर सकते हो स्क्रोल को, ओके। सो यहाँ पे अभी देख रहे हो डॉट्स हमारी खाली है, मैंने शो नहीं कराया, तो मैं टू दबा देता हूँ, मेरी सेकंड विंडो में शो करा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से आ गया, ओके। सो अभी आपको एक और टैक्स ऐड करना है, तो सेम आप लगाओगे, सेम लगाओगे, सेम मर जाएगा। तो अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि इस बैकग्राउंड को मैं डिस्कनेक्ट करूंगा तो मेरा बैकग्राउंड गायब, ओके ओके। मेरा बैकग्राउंड गया, कनेक्ट करूंगा तो वापस, ठीक है। ये मेरा बैकग्राउंड से मैंने अपने बैकग्राउंड जो ब्लैक है मैं यहाँ से चेंज करना है मुझे अपना बैकग्राउंड, मैं यहाँ से जाकर बैकग्राउंड को चेंज कर सकता हूँ लाइक दिस, ओके। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट को इस वाले टेक्स्ट पे काम करना है तो यहाँ से इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। और एक चीज़ और बताता हूँ, अभी ये कन्फ्यूजन हो सकती है ऐसे टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू, तो आप चाहो तो इसको रीनेम भी कर सकते हो। यहाँ से राइट क्लिक करके रीनेम, यहाँ पे आप कोई भी नाम जो है इसका टाइप कर सकते हो। एक्स वाई जेड मैं कर देता हूँ फिलहाल, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर जो नाम है इसका एक्स वाई जेड हो गया है, ठीक है, ये देख सकते हो आप एक्स वाई जेड, ओके। तो यहाँ पे इसका कर सकते हो। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप F2 प्रेस करोगे तो सीधा रीनेम का शॉर्टकट है, आप यहाँ से रीनेम का शॉर्टकट कर सकते हो। मैं साथ साथ शॉर्टकट भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। सो पहले हमने लिया, अब मैं बताता हूँ आपको, पहले हमने लिया बैकग्राउंड लाइक दिस, ओके। फिर हमने लिया एक टेक्स्ट लाइक दिस। अब बैकग्राउंड और टेक्स्ट को मैंने कराया इस वाले मर्ज के अंदर शो, ड्रैग कराऊंगा लाइक बूम। फिर मैंने लिया एक ये टेक्स्ट अलग से, फिर मैंने ये किया इस वाले मर्ज के अंदर लाइक बूम, ठीक है। तो अब क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड फिर दोनों मर्ज, फिर ये टेक्स्ट और फिर सारा मर्ज, समझ में आया। ये सिंपल है, पाइपलाइन बेस्ड काम इस तरीके से होता है। सो अभी क्या करना है, अभी जैसे अब ये टैक्स है, ओके, ये टैक्स और ये टैक्स, ओके। अब मेरा जो सारा आउटपुट है वो मेरा इस वाले मर्ज के अंदर आ रहा है। अगर मुझे यहाँ इस मर्ज को मैं ड्रैग कराऊंगा तो मेरा जो आउटपुट है सिर्फ इस मर्ज तक का शो होगा, और सब कुछ मेरे लास्ट मर्ज में है तो मेरा अब इस मर्ज पे शो होगा। अब मुझे चेंज करना है, तो जैसे कि मैंने बताया इस मर्ज के साथ भी आप स्केल को जूम इन कर सकते हो, ओके। बट मैं चाहूंगा कि यहां से करने की जगह आप एक ट्रांसफॉर्म नोट लो। अब मैं चाहूंगा कि एक ट्रांसफॉर्म नोट लूं, मैंने यहां से ट्रांसफॉर्म नोट लिया, इस पर क्लिक किया और लाइक दिस मेरा ट्रांसफॉर्म नोट ऑटोमेटिक करेक्ट। इस टैक्स के नीचे मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस टैक्स को भी मैं अरेंज करूँ, इस टैक्स पे भी मैं कुछ करूँ। तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे बूम, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि मेरा एक ट्रांसफॉर्म नोट टैक्स नोट ये है, और इसके नीचे मैंने लगाया दो ट्रांसफॉर्म नोट इनको चेंज करने के लिए, और ये है मेरा मर्ज नोट जो मेरे कनेक्शन आ रहे हैं, ये है मेरा बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये है, अब मुझे अगर अपने प्रोडक्शन को चेंज करना है तो मैं अपने इस ट्रांसफॉर्म नोट पे जाऊंगा, प्रोडक्शन के नीचे है, यहाँ से मैं इसका स्केल जूम इन आउट कर सकता हूँ लाइक दिस। और मुझे इसको ग्रीन को चेंज करना है तो मैं इस ट्रांसफॉर्म में जाके मैं अपने स्केल को यहाँ से जूम इन आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था ये आज का ट्यूटोरियल। तो मैंने आज आपको क्या सिखाया, बैकग्राउंड नोट के बारे में, इसको हम बहुत अच्छे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको साइड में दिख रहा होगा, ये आप यहाँ से अपनी जो टाइमलाइन है उसको मूव करा सकते हो। जब आप ज़्यादा बड़ी पाइपलाइन बनाते हैं तो हम यहाँ से मूव करा के पहुँच सकते हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये क्या है, ओके। सो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हो, कि आपको मेन याद रखना है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, क्योंकि इसका आगे बहुत यूज़ होगा, मर्ज नोट का यूज़ होगा, ट्रांसफॉर्म नोट का यूज़ होगा, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर कुछ और इसके आगे कनेक्ट करना है तो सेम सेम आप कुछ लोगे, सेम यहाँ से ड्रैग करा के मर्ज से कनेक्ट कराओगे। ये सिंपल है, सिंपल प्रोसीजर है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ग्रीन और येलो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया बैकग्राउंड नोट के बारे में, मर्ज नोट के बारे में, ट्रांसफॉर्म नोट के बारे में और टेक्स्ट नोट के बारे में। सो ये इसका प्रोसीजर है। अब वी सपोज अगर मुझे कोई वीडियो है, मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ सब कुछ, ठीक है। मैंने यहाँ से कोई वीडियो को, मैं कोई वीडियो इंपोर्ट करता हूँ, इसके अंदर छोटी सी अगर कोई वीडियो है मेरे पास तो ये वीडियो है, ओके। मैं यहाँ से सीधा ट्रैक करूँगा लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पे मैं शो करा दूंगा लाइक दिस, यहाँ से मैं कर दूंगा फिट। अब मुझे अपने टेक्स्ट को इसके ऊपर लेकर आना है तो मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट नोट लूँगा लाइक दिस, यहाँ को यहाँ पे सेकंड विंडो में टेक्स्ट नोट शो करा दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रोडक्शन PRODUCTION। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताना। यहाँ से मैं इसका स्केल थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ से मैं इसका कलर को थोड़ा सा जो है वो ब्लैक कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा इसके ऊपर, इस वीडियो के ऊपर ये टेक्स्ट आए, तो बेसिक मैंने आपको बताया यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मर्ज नोट। आप डायरेक्ट मर्ज लेके
मर्ज लेके अब बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कर दोगे और इस मर्ज को शो करा दोगे तो आपका जो है आउटपुट शो हो जाएगा। अदरवाइज सिंपल प्रोसीजर इसका क्या है, इस आउटपुट को लेके, टेक्स्ट के आउटपुट को लेके अगर मैं इस आउटपुट से क्रिएट कर दूंगा तो ऑटोमेटिक एक मेरा एक मर्ज क्रिएट होगा लाइक दिस, और यहाँ पे मैं इसको शो करा दूंगा लाइक दिस। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब यहाँ से आप इसको टेक्स्ट पे जाके ट्रांसफॉर्म जो भी करना है आपको टेक्स्ट की खुद ट्रांसफॉर्म है यहाँ पर फिर ट्रांसफॉर्म नोड लगा दोगे। तो इस तरीके से आप जो है अपनी वीडियो को इसके अंदर लेके आ सकते हो, टेक्स्ट नोड को, मर्ज नोड को, ट्रांसफॉर्म नोड को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि आपको ये ट्यूटोरियल बहुत समझ में आया हो, बहुत वर्थफुल लगा हो। अगर आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको ये समझ नहीं आता, मैं आपको पूरा अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि गाइस ये फ्यूजन है, धीरे धीरे हम इसको करते जाएंगे पार्टिकल्स के बारे में, 3D के बारे में, तो ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाए आगे जाके, क्योंकि आगे हजारों पाइपलाइन हम क्रिएट करेंगे, काफ़ी सारी पाइपलाइन बनेगी, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आपका बेसिक से लेके और एंड तक पूरा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अगर जो मेन जो इसमें है वो है कॉन्सेप्ट, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मर्ज नोड क्या है, बैकग्राउंड नोड क्या है, मुझे कौन सी चीज़ कहाँ जोड़नी है, आगे हम यूज़ करेंगे पॉलीगन नोड, ये पॉलीगन नोड है, एलिप्स नोट, ये सारे नोट्स के बारे में हम जानेंगे, इससे हम काफ़ी सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। सो जो धीरे धीरे आप इसको समझना है कि किस तरीके से पाइपलाइन को कैसे जोड़ना है, क्या करना है, और आपको बहुत आराम से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सो आई होप गाइस कि आपको ये ट्यूटोरियल बहुत समझ में आया हो। चलो तो ये हमारी फर्स्ट क्लास में सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं अपनी सेकंड क्लास में, वहाँ आगे जानेंगे कि आगे हम इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ अभी समझाने के लिए समझाया है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ करेंगे, कुछ नया क्रिएट करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें वीडियो पर भी काम करेंगे। फोटोज़ को लगभग ये समझाया है क्योंकि पहले फोटो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वीडियो का कॉन्सेप्ट बाद में क्लियर होगा। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया हो। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।